सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। घोस्ट स्टोरीज को डायरेक्ट किया है जेरेमी टाइसन और एंडी नाइमन ने। इनफैक्ट एंडी नाइमन ने इसमें लीड कैरेक्टर का काम भी किया है। डायरेक्टर ने डायरेक्टिंग भी किया है और इस मूवी में एक्टिंग भी किया है, तो ये मूवी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मगर क्या ये थी, लेट्स फाइंड आउट। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी अभी तक हिंदी में नहीं आई है, और अगर आती है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा विद दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। तो चलिए स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी है एक प्रोफेसर गुडमैन का, जिसका कैरेक्टर निभाया है एंडी नाइमन ने, जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं। सो हमारे प्रोफेसर गुडमैन ये एक साइकिक चीट्स नाम के टीवी शो के लिए काम करते हैं, जो कि उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों को भूत के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। प्रोफेसर गुडमैन चार्ल्स कैमरन नाम के एक शख्स को एक तरह से अपना गुरु मानते हैं, जो कि अगेन ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों को भूत के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं। अचानक एक दिन चार्ल्स कैमरन गायब हो जाते हैं और सालों तक उनका कोई अता पता नहीं चलता, और फिर अचानक सालों बाद में प्रोफेसर गुडमैन को चार्ल्स कैमरन का खत मिलता है, जिसमें चार्ल्स कैमरन प्रोफेसर गुडमैन को अपने घर पर बुलाते हैं और उस खत में उनका एड्रेस भी दिया गया होता है। प्रोफेसर गुडमैन तो पहले बहुत शॉक में जाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद में चार्ल्स कैमरन जिंदा है या है भी या नहीं उनको पता चलता है, और अचानक से चार्ल्स कैमरन प्रोफेसर गुडमैन को अपने घर पर बुलाते हैं, ये सोचकर ही वो और भी शॉक में चले जाते हैं। और चार्ल्स कैमरन प्रोफेसर गुडमैन को 3 केस फाइल्स देते हैं, जो कि चार्ल्स कैमरन को लगता है कि उनको भी इन 3 केसेस ने झिझोड़ के रख दिया है। ये ऐसे केसेस है जो चार्ल्स कैमरन खुद अच्छे से समझ नहीं पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि प्रोफेसर गुडमैन इन 3 केसेस को स्टडी करे और समझे कि आखिर इन तीनों के साथ में हुआ क्या था। अब प्रोफेसर गुडमैन इन तीनों लोगों से मिलते हैं, इन तीनों लोगों की स्टोरी सुनते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक स्टोरी के बाद में प्रोफेसर गुडमैन को किसी न किसी तरीके से इनकी स्टोरी अफेक्ट करती है, इनको भी कुछ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है हर एक स्टोरी से। पहली स्टोरी है टॉनी मैथ्यूज की, जो कि एक नाइट वॉचमैन का काम करते हैं एक बंद हो चुकी हॉस्पिटल में, जहां पर जॉब के आखिरी रात पर वो कुछ अजीब सा भूतहा चीज देखते हैं। दूसरी स्टोरी है साइमन रिफकिन की, जो कि एक टीनेजर है और एक रात घर आते वक्त वो कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरी स्टोरी है माइक फ्रिडल की, जिनकी बीवी एक बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो 7वें महीने में हॉस्पिटल में एडमिट है कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मगर एक रात माइक फ्रिडल कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं अपने ही घर में। अब ये तीनों क्या एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे ये तीनों केसेस प्रोफेसर गुडमैन को कंफ्यूज कर देते हैं, और आखिर इन तीनों केसेस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से चार्ल्स कैमरन और प्रोफेसर गुडमैन ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हिल चुके हैं, यही स्टोरी है मूवी की। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, जो जो लोकेशंस यूज किए गए हैं वो सच में आपको एक हॉरर सीन आने का चिल देती है। इनफैक्ट मूवी में हॉरर सीन ज्यादा नहीं है, मगर हॉरर सीन्स आने तक जो सीन्स दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे हैं। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है और इसमें ढेर सारे ईस्टर एग्स डाले गए हैं, तो मूवी के स्टार्ट होने से जो भी सीन्स आपको दिखेगा वो सभी चीजें इम्पोर्टेंट है, इसका एहसास आपको मूवी के एंड में जरूर होगा। ये मूवी अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास मूवी थी यार। इस मूवी को देखने का होल एंड सोल रीजन था इसका लाजवाब ट्रेलर और मार्टिन फ्रीमैन। अगेन मूवी और मार्टिन फ्रीमैन ने डिसअपॉइंट भी नहीं किया, मगर मूवी जब एंड हुई वहां पर मैं पूरा का पूरा डिसअपॉइंट हो गया। एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, मगर मैं आपको और प्लॉट डिटेल्स नहीं बता सकता, वरना मैं मूवी आपके लिए स्पॉइल कर दूंगा। ये मूवी मेरे नजरिए से हाना हाना टाइप की मूवी है, यानी कि आप इसे देख भी सकते हैं, आप इसे नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग अच्छी है मगर मूवी की एंड बहुत बेकार है। सो, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ना ही लॉस होगा और ना ही फायदा होगा। सो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।